हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है। अभी कुछ दिनों तक क्लास जो है मोबाइल से ही चलेगी, तो आप लोग मैनेज करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, और साथ में जो है हम लोग गवर्नर जनरल के टॉपिक को जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव से जो है स्टार्ट होगा। इनका कार्यकाल जो है 1757 से लेकर के 1760 के बीच में था, ठीक है। और इनका दूसरा कार्यकाल जो है वो 1765 से लेके 1767 ईस्वी तक था। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है दो बार जो है गवर्नर बने हैं, ठीक है। पहला शासनकाल जो है इनका 1757 से लेके 1760 के बीच का है, और दूसरा शासनकाल जो है इनका वो 1765 से लेके 1767 ईस्वी के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो है हम लोग कुछ दिनों के लिए थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो बहुत लगा ही चुके हैं, थ्योरी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए थ्योरी ही कुछ दिन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किए, सबसे पहले तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया, और क्लाइव जो है साथ में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व असूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले के अधीन थे, ठीक है। याद रखना है, एमसीक्यू में हम लोग ने किए भी थे, तो हाँ बहुत बार पूछा है कि द्वैध शासन जो है किसने लाए थे। तो द्वैध शासन व्यवस्था जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया है, और वारन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है, द्वैध शासन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया है ये व्यवस्था, और ख़त्म किया गया था वारन हेस्टिंग के द्वारा, ओके फ्रेंड्स। और इसमें क्या था, द्वैध शासन में तो राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी जो है नवाब के हाथों में होती थी, ठीक है। क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों से के लिए जो है दो उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किए, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद रखना है इस लाइन को, क्योंकि लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है। बंगाल जो क्लाइव जो हैं बंगाल में जो हैं उपदीवान रखे थे, उनका नाम है मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए जो है राजा सिताब राय को नियुक्त किए थे, ठीक है। तो क्लाइव के बारे में दो पॉइंट यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। बताइए कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है किसने लागू किया, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। और साथ में ये भी याद रखना है कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो समाप्त किया गया था, दोस्तों वारन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। और अब इस पॉइंट को याद रखना है कि क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए जो है दो उपदीवान रखे थे, जिनमें कि बंगाल के लिए जो उपदीवान रखे थे उसका नाम था मोहम्मद रजा खान। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए जो उपदीवान रखे थे उनका नाम था मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए जो रखे थे उनका नाम था राजा सिताब राय, ठीक है फ्रेंड्स। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के लिए जो गवर्नर जनरल रखे थे उनका नाम है मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए जो रखे हैं उनका नाम था राजा सिताब राय, ओके। ये दोनों नाम याद रखना है, साथ में द्वैध शासन याद रखना है। अब आ जाते हैं वारन हेस्टिंग्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वारन हेस्टिंग्स के बारे में, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए वारन हेस्टिंग स्टार्ट किया जाए। तो वारन हेस्टिंग का शासनकाल जो है वो 1774 से लेके 1785 के बीच में जो है रहा था।
वैरेंग हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी में एक कलर के रूप में कलकत्ता पहुंचे थे। वैरेन हेस्टिंग के बारे में जानकारी जान लीजिए कि वैरेन हेस्टिंग जो है 1750 ईस्वी में कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता पहुंचे थे। ओके, और फिर जो है 1772 ईस्वी में वैरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैरेन हेस्टिंग के बारे में कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हो ही गया है, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो छोटा ही वीडियो रखते हैं, 5 मिनट का, एक एक करके सारे गवर्नर जनरल को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।